व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। आजकल मैं काफ़ी स्लिम हो रखी हूँ और मैंने अपना बहुत वेट कम कर लिया, बहुत खुशी होती है। और जो मैंने ये कुर्ती डाली है, ये पता नहीं कितने साल पहले की है, टाइट सी है जी, आज डाल के बड़ा मज़ा सा आया। ऐसा फील हुआ कि मैं पतली हो गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैटी हो रखी थी यहाँ से वहाँ से वहाँ से। और क्या कहने वाली थी, क्या बोलना था एक्चुअली में मुझे, कि ये वाली क्लिप मैं नेक्स्ट डे इवनिंग टाइम शूट कर रही हूँ, जो मेरा ब्लॉग है पिछले कल वाला। मेरा कोई प्लानिंग नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी वहाँ पे जाके, फिर मेरा वैसे ही मूड हुआ, तो थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैंने वैसे बना रखे हैं, तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। मैं कहा ऐसे ही एडिट कर दूंगी तो मेरे देखने वाले व्यूअर्स परेशान हो जाएंगे कि ये है क्या, बिना कुछ बताए। तो मैंने सोचा छोटी सी क्लिप्स बना के ऐड कर लूँ, कि हमारे किन्नौर में इसको कहते हैं शुकुत, जो कि अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स मतलब इच्छा करते हैं, क्या ठीक बोल रही हूँ, जैसे विश मांगते हैं भगवान से कि हमारे घर बेटा हुआ या हमारे घर पोता हुआ तो हम आपको अपने घर इनवाइट करेंगे, ऐसा कुछ टाइप्स आप समझ ही गए होंगे। तो वैसे उसे कहते हैं शुकुत, और बस मेरे घर से थोड़े से ही दूर है। और क्या, बस इस क्लिप को उठा के वहाँ ऐड कर देती हूँ, आपको समझ आया ना किस किस ओकेजन पे ये ब्लॉगिंग बना रखी है मैंने। तो ज़रूर देखिए और एंजॉय करिए और लाइक ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब आपकी मर्जी है भाई, और बोल के मतलब तो हो ही गए हैं, बस व्यूज़ आने बाकी रहते हैं गाइस। राइट साइड जो स्पेक्स वाला बॉय है उसका शुक्र है ये, और ये सारे गांव के लेडीज इन्हें माला पहना रहे हैं, उसके बाद ये जाएंगे मंदिर। यहाँ पे पूरी बन रही है। और यहाँ पे चिल्टे बन रहे हैं जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, और ये हर ओकेजन पे बनते हैं। ये बन रहे हैं फ्रेंच फ्राइज। और यहाँ पे बन रहे हैं दिन का लंच, सब्जी, दाल, जलेबी, ईटीसी। आज बाहर बहुत बारिश हो रही थी सुबह के टाइम में, इसलिए अंदर ही कर रहे हैं सारा काम, वरना ओपन में बाहर खुले में ही सारा खाना बनाया जाता है। और आप देख रहे हो ये सारे गांव वाले ही मिलके खाना बनाते हैं। काफ़ी देर वेट करने के बाद हमारे नाग जी पहुँच चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताए हैं, जो मेरे डेली व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, हमारे इष्ट देव श्री बेरिंग नाग जी। और जिस घर में फेस्टिवल है, फेस्टिवल कह सकते हैं, वो सारे फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स जाके स्पेशली मंदिर में इन्वाइट के लिए जाते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन। मेरा नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो टेंट वेंट लगे हुए आपको दिख रहे हैं, वहाँ पे मैरिज है कल, और मेरे ब्लॉग में फर्स्ट टाइम किन्नौरी मैरिज वाला ब्लॉग होने वाला है, तो ज़रूर वेट करिएगा। और मिलते हैं बहुत जल्द, बाय।